तो फाइनली रेलवे ने बता दिया है कि एनआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये कब से शुरू होगा, इसके लिए एक नई नोटिस जारी की गई है आज यानी कि 8 दिसंबर 2021 को। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उस नोटिस में क्या है और आप उस नोटिस को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, उसके लिए आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, लेकिन अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो गूगल क्रोम को ही यूज करिए और यहाँ पे ऊपर दाएं तरफ 3 डॉट के बटन पे क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू जरूर कर लें। यहाँ पे आपको लिखना होगा आरआरबी भोपाल, ये लिखने के बाद आपको इंटर करना है। यहाँ पे भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर होगी, आपको उसी वेबसाइट पे ओपन करना होगा। अब आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल के होम पेज पे हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ऑफ ऑल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट एंड अदर नोटिस, आपको यहीं पे देखना होगा। तो आप देखेंगे कि 8/12 यानी कि 8 दिसंबर को आरआरसी से संबंधित एक नोटिस जारी की गई है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपके सामने आ जाती है। आप देखेंगे कि ये जो नोटिस है ये जारी की गई है आज ही के दिन यानी कि 8 दिसंबर 2021 के दिन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की नोटिस है। यहाँ पे कहा गया है कि ये RRC 01/2019 के लिए है। यहाँ पे कहा गया है कि RRC ग्रुप डी के लिए फार्म का आवेदन लिया गया था और इसके लिए जो पहला CBT एग्जाम है ये 23 फरवरी 2022 से मल्टीपल फेज में शुरू होगा। यहाँ पे सरकार के कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए 23 फरवरी 2022 से इसका एग्जाम कराया जाएगा। हालांकि आपको पता होगा कि NTPC की अपेक्षा इसमें ज़्यादा लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहां पे NTPC का जो एग्जाम हुआ था कई चरणों में हुआ था, उससे ज़्यादा चरणों में आपको ग्रुप डी की परीक्षा होते हुए दिखाई देगी। यहां पे तीसरे नंबर पे कहा गया है कि एग्जाम सिटी और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, इसके अलावा जो SC ST का जो ट्रेवल होता है टिकट, ये 10 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में क्लियर आपको मिल जाएगा स्कूल का नाम केवल 4 दिन पहले, और अभी तक लगभग 4,85,000 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। इनको मौका दिया गया है 15 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में सही करने का। इसमें से जितने सारे लोग अपने फॉर्म को सही कर लेंगे उनको भी इसमें बैठने का मौका मिलेगा। जो 6वीं अपडेट है इसमें कहा गया है कि ऑफिशियल जानकारी के लिए आपको रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही गौर करना चाहिए, किसी अनऑथराइज सोर्स पे भरोसा ना करें। तो यही है आज के दिन की नोटिस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे साफ साफ लिखा गया है कि 23 फरवरी 2022 से इसका एग्जाम शुरू होगा जो कि मल्टीपल फेज में होगा। अब आपका कब होगा ये केवल आपको 10 दिन पहले पता चलेगा और 4 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो यह है पूरी अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।